वादी रसा की कोहे हिमाला रसा का गए और जिस संत देखिए वो इलाका रसा का गए। कुछ लोगों में ये मालूम है कि अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसकी 40वां की फातिहा 3 चांद देखने से पहले होना ज़रूरी है। मसलन किसी का इंतकाल अगर 27 रजब को हुआ तो 40वां की फातिहा रमज़ान शरीफ से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि रमज़ान शुरू होगा तो 3रा चांद दिख जाएगा। इसकी शरीयत में क्या हैसियत है? 40वां हो या 20वां हो या 10वां हो या 30वां हो, ये सब इसाले सवाब का नाम है। और जो 3 दिन पर या 10 दिन पर या 20 दिन पर या 40 दिन पर इसाले सवाब जो मुरवज है, उसका मकसद ये नहीं कि ये तायिन शरई है, बल्कि उसका मकसद ये तायिन उर्फी है ताकि लोगों को बुलाने में इस काम के लिए आसानी हो। और ये तो बिल्कुल जहालत है कि 40वें से करने के लिए 3 चांद नहीं गुजरना चाहिए। शरीयत मुतहरा में इसकी कोई असल नहीं है, ना ही ये ज़रूरी है कि 40वें के फातिमा 40 ही दिन पूरी होने पे किया जाए, उससे पहले या उसके बाद भी किया जा सकता है, क्योंकि वह साल सवाब है, इसी दिन भी कर सकते हैं। औरतें इस मामले में बहुत बेबाकी करती हैं, उनको भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये तायिन शरई नहीं, तायिन उर्फी है, लिहाजा इसमें कोई अर्ज नहीं। कुछ लोग माह रमजान में अपने मुर्दों के नाम से असर से पहले पाते ही नहीं करते हैं कि मुर्दा भी रोदा होगा, माजल्ला जाहिर है वो दारो डमल तो है नहीं कि मुर्दा रोदा रखेगा। आप जो फातिहा करते हैं उसका स्वभाव उसे पहुंचता है, वो आप किसी भी बात कर सकते हैं, किसी दिन भी कर सकते हैं, माह रमजान में भी कर सकते हैं, 40 दिन से पहले भी कर सकते हैं, 3-4 हो जाए जब भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।